साहब, जो कल से आपके सड़क सुरक्षा सप्ताह जो मनाया जा रहा है, उसका क्या प्रोग्राम है आपके विभाग के द्वारा? ये उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप और उनके दिशा शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार जनपद मथुरा में 31वां सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 18 तक मनाया जाना सुनिश्चित हुआ है। इसमें हम लोग कल इसका उद्घाटन होना है। इसमें रैली, स्कूलों में कार्यक्रम, विभिन्न तरह की भाषण प्रतियोगिता और क्विज, इस तरह का आयोजन किया गया है। और इसमें फोकस ये है कि समाज के हर वर्ग की सहभागिता इसमें सुनिश्चित किया जाए और सिर्फ इस कार्यक्रम को शहरों तक ही ना सीमित रख के दूर दराज के और ग्रामीण क्षेत्रों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इसलिए हम लोगों ने तहसील और ब्लॉक स्तर को पे भी इस कार्यक्रम की पहुंच बनाई है और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज के हर वर्ग तक ये संदेश हम दें कि आपका जीवन कितना महत्वपूर्ण है और सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करके आप अपने जीवन को कैसे सुरक्षित बना सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इसमें युवाओं को लेकर सर क्या कहना है आपका सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत? युवाओं को मुख्य फोकस युवाओं पर ही है क्योंकि वाहन संचालन में अधिकतर देखा जाता है कि 18 से 40 तक की जो एज के वर्ग है वही ज्यादा गाड़ियां चलाते देखे जाते हैं। तो फोकस यही है कि सबको जागरूक किया जाए और बताया जाए कि आपका जीवन कितना महत्वपूर्ण है और एक छोटी सी गलती हमारे लिए कितनी हानिकारक हो सकती है। तो इसलिए ये फोकस ये है कि प्रवर्तन को प्राथमिकता न दे करके जागरूकता को प्राथमिकता दिया जाए ताकि लोग खुद ये समझें और खुद नियमों का पालन करने के लिए आगे आएं। साहब, जो कल से आपके सड़क सुरक्षा सप्ताह जो मनाया जा रहा है, उसका क्या प्रोग्राम है आपके विभाग के द्वारा? ये उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप और उनके दिशा शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार जनपद मथुरा में 31वां सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 18 तक मनाया जाना सुनिश्चित हुआ है। इसमें हम लोग कल इसका उद्घाटन होना है। इसमें रैली, स्कूलों में कार्यक्रम, विभिन्न तरह की भाषण प्रतियोगिता और क्विज, इस तरह का आयोजन किया गया है। और इसमें फोकस ये है कि समाज के हर वर्ग की सहभागिता इसमें सुनिश्चित किया जाए और सिर्फ इस कार्यक्रम को शहरों तक ही ना सीमित रख के दूर दराज के और ग्रामीण क्षेत्रों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इसलिए हम लोगों ने तहसील और ब्लॉक स्तर को पे भी इस कार्यक्रम की पहुंच बनाई है और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज के हर वर्ग तक ये संदेश हम दें कि आपका जीवन कितना महत्वपूर्ण है और सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करके आप अपने जीवन को कैसे सुरक्षित बना सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इसमें युवाओं को लेकर सर क्या कहना है आपका सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत? युवाओं को मुख्य फोकस युवाओं पर ही है क्योंकि वाहन संचालन में अधिकतर देखा जाता है कि 18 से 40 तक की जो एज के वर्ग है वही ज्यादा गाड़ियां चलाते देखे जाते हैं। तो फोकस यही है कि सबको जागरूक किया जाए और बताया जाए कि आपका जीवन कितना महत्वपूर्ण है और एक छोटी सी गलती हमारे लिए कितनी हानिकारक हो सकती है। तो इसलिए ये फोकस ये है कि प्रवर्तन को प्राथमिकता न दे करके जागरूकता को प्राथमिकता दिया जाए ताकि लोग खुद ये समझें और खुद नियमों का पालन करने के लिए आगे आएं।